हेलो एवरीवन, दिक्कत जनरनों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी बादाम पिस्ता आइसक्रीम, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामान में ये बनकर तैयार हो जाती है। आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, गैस को ऑन नहीं किया। हमने 2 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं। अब हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार शुगर भी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच चीनी ली है। अब हम इसमें 1.5 कप दूध डाल देंगे। तो आप चाहें तो आधा पानी और आधा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कप हमने डाल दिया है और आधा कप हम और डाल देंगे। अगर आपके पास मलाई वाला दूध है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे बिना व्हिप क्रीम के, बिना मलाई के बनाएंगे, बिल्कुल कम सामान में। अब हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है मीडियम पे और अच्छी तरह से इसे मिलाते हुए चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, हल्का हल्का ये थिक होना शुरू हो गया है और इसमें हल्की हल्की साइन भी आ गई है, ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। तो कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे। इसमें मैंने डाल दिया है कार्डिमम एसेंस, मतलब इलायची पाउडर का एसेंस। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फूड कलर डाल देंगे बिल्कुल, मैंने यहाँ पर 1 बूंद ही डाला है, इससे ही कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर अपना मनपसंद कलर भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा और थिक होने देते हैं। अब इसमें 10 से 12 कटी हुई बादाम डाल दिए हमने। 10 से 12 कटी हुई हम पिस्ते भी डाल देंगे। अगर आपको काजू पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल दिया है। मिक्सचर आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इतना ही थिक हमें रखना है। तो अच्छी तरह से इसे कंटिन्यू चलाते रहें, नहीं तो फिर नीचे से ये लग भी सकता है। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। 10 मिनट हमने इसे ठंडे होने के लिए छोड़ दिया था, काफ़ी थिक हो गया है। अब इसे मिक्सर जार में डालकर इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल मार्केट वाला लुक लग रहा है। तो इसे अब मोल्ड में डाल लेते हैं। आइसक्रीम जमाने के लिए मैंने यहाँ पर आइसक्रीम मोल्ड लिए हैं। आप अपने मनपसंद हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप ग्लास भी ले सकते हैं। ये देखिए, इतने मिक्सचर में हमारी 4 आइसक्रीम बन जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दीजिए। और हम इसके ऊपर से कवर लगा रहे हैं, तो अभी हम इसमें स्टिक नहीं लगाएंगे। अगर आपको तुरंत ही स्टिक लगानी है तो आप इसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगा दीजिए और उसके बाद आप तुरंत ही स्टिक लगा सकते हैं। कवर करके लगाने से बहुत ही अच्छी तरह से बनेंगी। तो सभी में हमने बहुत ही अच्छी तरह से भर लिया है, अब इसका कवर हम लगा देते हैं। अगर आप गिलास भी बना रहे हैं तो आप सिल्वर फॉइल या फिर किसी भी प्लास्टिक सीट को भी लगा सकते हैं। अब इसे ओवरनाइट जमने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि गर्मियां बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। तो चलिए इन्हें फ्रीजर में रख देते हैं ओवरनाइट जमने के लिए। ओवरनाइट हमने इन्हें जमने के लिए रख दिया था। ये देखिए, इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है। आइसक्रीम हमारी बहुत ही अच्छी तरह से जम चुकी हैं। अब हम इसमें स्टिक लगा देंगे और इजीली इन्हें निकाल लेते हैं। आप इन्हें पानी में डिप करके भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, हाथों की गर्मी से ही निकल आई है। तो ये देखिए, हमारी बहुत ही टेस्टी बादाम पिस्ता आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे बादाम और पिस्ते से। गर्मियों के मौसम में इस तरह से आइसक्रीम रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। आपको मेरे चैनल में बहुत ही टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम और स्मूदीज और बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया है तो आप एक बार ज़रूर जाकर देखिए। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर चिल्ड 1 कप व्हिप क्रीम ले ली है। तो व्हिप क्रीम को हमने डाल दिया है बाउल में। बहुत ही ठंडी है हमारी व्हिप क्रीम, ठंडी ही लेनी है हमें। अब इसे एक हैंड ब्लेंडर से बहुत ही अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे, जब तक कि ये बिल्कुल साइज में डबल ना हो जाए। ये देखिए, 5 मिनट हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब ये अच्छी तरह से डबल हो गया है, बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ चुका है इसमें। तो अब हमें इसे नहीं ब्लेंड करना है, अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे एक साथ। अब इसमें मिठास देने के लिए हम 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। आधा कप हम यहाँ पर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, या फिर आप पूरा ही कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। अब 10 से 15 हमने कटे हुए बादाम के कतरन ले लिए हैं, 10 से 15 हमने पिस्ता के कतरन ले लिए हैं।
अब हमने यहाँ पर केसर को दूध में अच्छी तरह से भिगोकर रख दिया था, तो ये देखिए अच्छी तरह से इसमें कलर आ गया है, इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। इसे भी हमने डाल दिया है। अब इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से एक बार इसे ब्लेंड कर देते हैं। तो झटपट से देखिए बनकर तैयार है बिल्कुल मार्केट से भी टेस्टी हमारा केसर बादाम पिस्ता का मिक्सचर। अच्छी तरह से इसे हम एक मिनट के लिए ब्लेंड कर ले रहे हैं। अब हम इसमें मार्केट वाला लुक देने के लिए थोड़ा सा केसर रंग डाल देते हैं। ये फूड कलर है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, केसर से ही बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ चुका है। थोड़ा सा ज़्यादा डार्कनेस के लिए मैंने इसमें एक पिंच, बिल्कुल एक बिंदु के बराबर ही हमने इसमें डाला हुआ है। तो अच्छी तरह से इसे भी ब्लेंड कर देंगे। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारा मिक्सचर। अब इसे आप किसी भी कंटेनर में, ग्लास में, डिस्पोजल में या फिर आइसक्रीम स्टैंड में भी आप इसे जमा सकते हैं। तो सभी को एक सार कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आइसक्रीम जमाने के लिए एक टिफ़िन ले लिया है। अब इसमें हम अच्छी तरह से पूर कर देंगे, बहुत ही अच्छी तरह से भर देंगे, बिल्कुल भी एयर बबल्स ना रहें। तो आप इसे टैप करते हुए भरें। बहुत ही आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी है ये, और 8 से 10 घंटे के अंदर ये बहुत ही अच्छी तरह से जम जाती है। जैसे कि अब समर चल रहे हैं तो आप इसे ओवरनाइट रख दीजिए तो बहुत ही अच्छी तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। आपको मेरे चैनल में बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक चैनल में नहीं देखा है मेरे, तो आप जाकर देख सकते हैं। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती ही रहेंगी। तो अच्छी तरह से इसे सेट कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर बादाम और पिस्ते की कतरन डाल देते हैं। तो जब ये सेट हो जाएगी तो बहुत ही लजीज दिखेगी। अच्छी तरह से सेट कर लें। अच्छी तरह से हमने इसे सेट कर लिया, ये देखिए। अब हम इसमें इस क्लीनिंग रैप लगा लेते हैं, जिससे कि बिल्कुल भी हमारी आइसक्रीम में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। अगर आप इसमें केवल कवर भर लगा देंगे तो आइसक्रीम के ऊपर बर्फ़ की परत आ जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आप इस तरह से सिल्वर रैप लगा सकते हैं, क्लीन रैप लगा सकते हैं, या फिर किसी भी प्लास्टिक पॉलीथीन को कट करके भी लगा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम इसका कवर लगा देते हैं और बस इसे छोड़ देते हैं फ्रीजर में जमने के लिए 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट। तो ओवरनाइट हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब सिल्वर फॉइल को निकाल देते हैं। ये देखिए आप इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। तो आप इसे कभी भी सर्व कर सकते हैं, मैं इसे प्लेट पे सर्व कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट के टेक्सचर वाली हमारी केसर बादाम पिस्ता बनकर तैयार हो गई है। आप इसका टेक्सचर, क्रीमिनेस सभी देख सकते हैं। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और यदि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आपको मेरी सारी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो ये देखिए बहुत ही स्मूथली हमारी आइसक्रीम निकल रही है। इसी तरह से हम इसे भी रख लेते हैं हमारी प्लेट में। थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं हम इसके ऊपर पिस्ते और बादाम से। तो बिल्कुल मार्केट वाली टेक्सचर की आइसक्रीम हम घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। व्हिप क्रीम मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है, आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। यदि आपके पास व्हिप क्रीम ना हो तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम से भी इसे बना सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी समर स्पेशल आइसक्रीम। आप इसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आइसक्रीम बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी, ये नॉर्मल पानी है। अब हम इसमें 1/4 कप पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। आप यहाँ पर नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। अब इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जब तक कि ये घुल ना जाए। ये देखिए चीनी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें एक काला खट्टा कलर डाल देंगे, ये इजीली किसी भी ग्रॉसरी शॉप में या फिर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें कलर डाला है, बहुत ज़्यादा ना डालें। ये अपने आप ही देखिए इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें हम 2 पिंच के लगभग ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे, 2 पिंच हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिए हैं।
अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें खट्टा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, तो एक नींबू का रस आप इसमें डाल दीजिए, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने यहाँ पर एक आइसक्रीम मोल्ड ले लिया है, आप किसी भी ग्लास में या फिर किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। इसे अच्छी तरह से भर देंगे। देखिए बिना कुकिंग के बहुत ही टेस्टी काला खट्टा आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। आपको मेरे चैनल में बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपीज देखने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल में विजिट नहीं किया है तो एक बार ज़रूर जाकर देखिए, बच्चे भी बना सकते हैं, इतनी आसान रेसिपीज हैं। तो ये देखिए हमने सभी में भर लिया है। अब इसमें हम क्लीन रैप लगा लेते हैं। आप सिल्वर फॉइल भी लगा सकते हैं, इसे लगाना ज़रूरी होता है जिससे कि हमारी आइसक्रीम क्रिस्टलाइज नहीं होती। अब चाकू से हम इसमें हल्का सा छेद कर लेते हैं। अगर आपके पास आइसक्रीम कैप है तो आप इसको भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा मार्केट वाला लुक देने के लिए आइसक्रीम स्टिक लगा रही हूँ इस तरह से। ये देखिए आइसक्रीम मोल्ड में जो कैप आता है आप उसी को लगा सकते हैं। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो आप चम्मच को उल्टा करके भी ग्लास में लगा दीजिए, बिल्कुल आइसक्रीम स्टिक का काम करेगी। तो ये देखिए इसी तरह से हम सभी को सेट कर देंगे। आइसक्रीम को जमने में 7 से 8 घंटे लगते हैं क्योंकि इस समय समर चल रहे हैं, तो आप इसे ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे के लिए आराम से छोड़ दीजिए। यह आइसक्रीम इतनी टेस्टी बनती है कि बिल्कुल काले खट्टे का गोला मिलता है, बिल्कुल उसी तरह से गोले की भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए सभी स्टिक हमने लगा दी हैं अच्छी तरह से। अब इसे हम रख देते हैं ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट हमने रख दिया था आइसक्रीम को जमने के लिए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारी आइसक्रीम जम चुकी है, थोड़ा नॉर्मल होने देते हैं। ये देखिए बहुत ही ईजिली हमारी आइसक्रीम निकल रही है, तो अब आपका जब भी मन करे आप इसे खा सकते हैं। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी काला खट्टा चटपटी आइसक्रीम रेसिपी। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजिली ये बनकर तैयार हो जाती हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।